ज्वाइनिंग पार्टी में बहुत टाइम से हो रही है, अब पार्टी को रीशेप करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को रीशेप करने की जरूरत है। और मेरे को भी दिल्ली में पार्टी हाई कमांड के माध्यम से ये ऑर्डर्स आया है कि आई विल ज्वाइन हियर आफ्टर बिहार इलेक्शन एज स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टू लुक आफ्टर होल पार्टी। तो मेरे साथ में गुल रफीकी जी भी है पार्टी में, तो इनको आज हम अनाउंस कर रहे हैं एज सेक्रेटरी जनरल आफ्टर हैविंग लॉन्ग डिस्कशन विद माई नेशनल प्रेसिडेंट एज वेल एज द पैटर्न ऑफ द पार्टी श्री रामविलास पासवान जी। तो गुल रफीकी जी एक्स एमएलए रहे हैं, बहुत वक्त काम किया है इन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी काम किया है, बहुत सुलझे हुए नेता है। पार्टी पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बहुत जानते हैं। इनके साथ में बहुत ऐसे साथी हैं, और उससे पहले मैं अपने साथियों का सबका आपको इंट्रोडक्शन दिलवा दूं। हमारे साथ अब गुल रफीकी जी है एक्स एमएलए, राकेश डोगरा जी भी है, ये हमारे यूथ के स्टेट प्रेसिडेंट है, पीछे अनिता चांदपुरी जी है, ये हमारी पार्टी की वुमेन्स विंग की अध्यक्षा है, डॉक्टर निसार साहब है, बीडीसी के चेयरमैन है बारामूला के, इनको आज हम बारामूला का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी और इंचार्ज नॉर्थ जोन का भी बना रहे हैं। विकास है हमारे साथ में, महिला में निशा जी है और अपने साथ डेजी जी है, खान साहब है जो पार्टी के हमारे प्रोवेंशियल के जनरल सेक्रेटरी है कश्मीर प्रोवेंस के, मेरे साथ सतीश कोल जी है, ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है और पीआरओ टू स्टेट प्रेसिडेंट। तो इसके साथ में आज बहुत सब साथी है, बहुत हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं जो साथ में पार्टी में पर्टिकुलरली यूथ में ज्वाइन कर रहे हैं, तो पार्टी इनको तहे दिल से वेलकम कर रही है। और आज से ग्राउंड जीरो पर, जो पहले से भी पार्टी काम कर रही थी लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से रीशेप करने में वो शेप देने के लिए हम गुल रफीकी जी को सामने रखेंगे एज सेक्रेटरी जनरल, और इनके माध्यम से पार्टी में हर जगह हम लोगों ने अभी तक जो हमारी यहाँ स्टेट बॉडी थी उसको डिजॉल्व करके आज से प्रॉपर तरीके से, कल हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी बनाए हैं, यूथ का भी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिफ खान जो हमारे यहाँ हबकदल एरिया से ही है, और बहुत ऐसे साथी है जिनको हम विद इन दिस वीक फाइनलाइज करके हर एक को हर एक जगह में पोस्ट ऊपर दे रहे हैं। इसके साथ में पार्टी की डिमांड पहले से ही स्टेटहुड की रही है, वो आज भी हम डिमांड कर रहे हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जब कहा था कि कश्मीर में हम लोग कुछ वक्त के बाद स्टेटहुड वापस देंगे, अब एक साल पूरा हो गया, 13-14 महीने हो गए, हम फिर गुजारिश करना चाह रहे हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को पूरा करिए, स्टेटहुड हमको दे दीजिए, तो हमको भी लगेगा क्योंकि जम्मू भी बहुत बड़ा खिता है, कश्मीर भी बहुत बड़ा खिता है। अजीब सा लगता है जब हम कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर यूटी है, हर जगह यूटी के बाद स्टेट बनता है लेकिन हमारे को बदकिस्मती से स्टेट के बाद यूटी मिला है। तो हम गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहां मेरे नेता भी बैठे हैं वो भी इस बार अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में जीरो आवर में भी क्वेश्चन आवर नहीं दिया गया, नहीं तो उन्होंने भी ये रेज करना चाहिए करना था, चिराग ने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया भी था बीइंग अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी कि वो इसको रेज करेंगे फॉर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर। और मेन जो हमारा है, मैं आज फिर गुजारिश करना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, ड्रग मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पुलिस बहुत काम कर रही है इसमें, लेकिन इसमें और बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, और मैं कोशिश करूंगा, गुजारिश कर रहा हूँ सभी जो यूथ है, सभी सिविल सोसाइटी में जितने भी साथी हम सब लोग मिल बांट कर यहाँ रह रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ अगर कहीं पर भी उनको ड्रग के बारे में किसी के भी बारे में पता लगे तो वो इन्फॉर्म करे, पुलिस को इन्फॉर्म करे, और हमारी भी एक टीम बन जाएगी जो पार्टी की तरफ से एक 5 आदमियों की टीम बनेगी जो इसमें प्रॉपर तरीके से ग्राउंड जीरो पर लुक आफ्टर करेगी, और सिटिंग ऑपरेशन आप मीडिया के माध्यम से, साथियों के माध्यम से उसमें करवाएगी, जिससे जो भी कहीं पर भी कोई भी ड्रग के इन्वॉल्वमेंट अगर कर रहा होगा हम उसको यहाँ अलो नहीं करेंगे। इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में तो मतलब ही नहीं कि हम उसको ड्रग में किसी को भी इन्वॉल्व, क्योंकि मेरा फ्यूचर मेरा यूथ है, मेरा नौजवान है, और मेरा नौजवान और यूथ अगर खराब हो गया ड्रग से तो हमारा कश्मीर का फ्यूचर, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बड़ी बातें कहीं दिखेंगी नहीं, फिर हमें वो छोटी बातें भी नहीं नजर आएगी। तो ये हमारे 2-3 और बाकी सब इश्यूज अगर किसी से, और हाँ एक बात, हमने जो अभी संघर्ष समिति यहाँ पर बैठी थी कनपतियार में, आप मीडिया के साथियों से आया था, हम उसमें भी स्टेट यूटी स्टेट भी नहीं आ रहा, यूटी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वो वहां पर गए, उनकी बातें जो थी उसको सीरियस तरीके से ले ले, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि जितने भी अगर
कश्मीरी माइग्रेंट्स जो यहाँ से माइग्रेंट हो गए, जितनी फैसिलिटीज उनको है, जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित ऑलरेडी रह रहे हैं, तो उनको भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, बिकॉज दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ द कम्युनिटी हियर, दे शुड बी प्रॉपरली टेकन केयर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन।